इसी में थी, इसमें इसे हटा दे साइड में थोड़ा सा। कपड़े आधे धुल गए पर सुखाने की जगह नहीं पा रही, तो एक रस्सी पड़ी है उसे देख। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? हम तो अच्छे हैं, आशा करते हैं आप भी अच्छे हों। और आज है दिन फ्राइडे और काम बहुत है क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, उनका एक दिन पेपर चल रहा है, एक दिन छुट्टी चल रही है। लक्की तो ये खड़ा और आरुष अपना सोफे पड़ा है और मेरा काम पड़ा बहुत सारा। आज हमारे कपड़े बहुत हैं, बहुत सारे कपड़े हैं क्योंकि बारिश की वजह से हम दो दिन रुके रहे कि भाई अभी नहीं धो रहे, बाद में धो लेंगे, पर बारिश नहीं बंद हुई, बारिश आ रही है। तो आज हम सोचा चाहे बारिश आओ चाहे कुछ हो तो अपने कपड़े आज धो देते हैं। तो मशीन लगाने के लिए तैयार है। अभी पहले सफ़ेद कपड़े डाले मैंने इसमें और ये पानी चला रखा मैंने टप में, इसे बंद कर देती हूँ पहले क्योंकि नहीं फिर ये नाली में बहेगा, वेस्ट हो जाएगा। तो और अब अपना घर का काम कर रहे थे। आज काम बहुत ज़्यादा है क्यों, हम कपड़े बहुत सारे हैं और फ्रिज भी गंदा हो रहा है हमारा और मेरा मशीन वाला भी काम रह रहा, तो अपना लगे रहेंगे। आज तो पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। खाना वाना हमने खा लिया, हम सेट हो गए बना के खा के फिट। यहाँ थोड़ा लाइट कम रहती है तो इसलिए अजीब सा लगता है, काला काला सा। तो अब करेंगे अपना काम स्टार्ट। वैसे तो हमने वैसा काम निपटा दिया और अंदर भी कपड़े पड़े हैं जो हमारे पहले थे, वो सूखे ही नहीं अभी, तो वो ऐसे ही फैला रखे हैं, अंदर पंखा चला रखा। तो आज भी कुछ जुगाड़ ही करना पड़ेगा अपने घर में। काम ख़त्म ही नहीं हो कभी, इतना सारा काम पड़ा अभी तो कपड़ों में लग रही, बहुत सारे थे कपड़े। कपड़े आधे धुल गए पर सुखाने की जगह नहीं पा रही, तो एक रस्सी पड़ी है उसे देखती हूँ इस कमरे से और बाहर तक बरामदे तक बांध देती हूँ, जिससे हमारा आज का काम हो जाएगा कपड़े का। फिर रस्सी तो खोल देंगे, खैर तो पंखा चला देंगे तो अंदर अंदर सूख जाएगी। इसमें देखती हूँ अलमारी में एक डब्बे में पड़ी थी रस्सी, तो ढूंढती हूँ उसे, तो कम से कम कपड़े तो टंग जाएंगे क्योंकि बाहर थोड़ी है जगह, तो वहाँ पर कपड़े आ नहीं रहे, तो सफ़ेद सफ़ेद अंदर डाल देती हूँ। चलो देखते हैं, करते हैं जुगाड़। ये अब लक्की चढ़ गया था अलमारी में, लक्की ढूंढ रहा रस्सी। देख डब्बे में ही होगी, पीछे एक डब्बे में थी वो रस्सी, कपड़े सुखाने के काम आ जाएगी। देख इनमें वो पीछे ना, पीछे वाला, इसमें तो मैं देख ली, पीछे वाले में देख, इसी में थी, इसमें ही, इसे हटा दे साइड में थोड़ा सा। और रस्सी तो हमें मिल गई थी, फिर अपना ये बांधने के लिए लग गए थे मैं कि इधर एक मतलब छोर इधर बांध दे रस्सी का और दूसरा छोर हम दूसरे उस पर बांध देंगे जंगले पे। तो ये रस्सी छोटी पड़ रही थी तो बाहर तक तो गई नहीं, तो हमने यहीं से ही ये डबल कर दी थी, एक लेयर और दूसरी लेयर दोनों तरफ, मतलब कि दो हो जाएंगी रस्सी तो कपड़े आ जाएंगे इस पर, जो छोटी पड़ गई थी बाहर जाने के लिए। तो बुरे तो लगते हैं खैर कमरे में कपड़े सुखाने, पर करना तो पड़ता है बारिश की वजह से, और इतना ही तो फिर इनमें बदबू हो जाती है और कई दिन लो सूख नहीं पाते कपड़े, और बारिश के मौसम में तो वैसे भी बहुत बदबू हो जाती है कपड़ों, तो यहीं सुखा दिए थे हमने। तो रस्सी तो हमने बांध दी थी, फिर ये गंदी हो रही थी तो मैं एक कपड़े से ये पोंछती, क्योंकि सफ़ेद कपड़े सुखाने थे तो दाग लग जाएंगे कपड़ों में, और गीले कपड़ों में तो वैसे भी बहुत जल्दी दाग लगते हैं जब रस्सी पर डालो तो, अगर वो मैली होगी तो कपड़ों में कलर जरूर छोड़ जाएगी। तो ये मैंने फिर यहाँ पर सारे वाइट वाइट कलर के, हल्के कलर के सारे कपड़े इस कमरे में ही डाल दिए थे, बाकी यहीं सूखते रहेंगे। और पंखा चला दिया था फिर अपना। चल
और जो चोट लगी चमड़ी मैं भी उधेड़ूंगी, फिर ध्यान रखियो। मम्मी बचा लो, मम्मी बचा लो, देर मत दिए रे। क्या तोड़ा, क्या तोड़ा? काले कौवे से डरियो, मैं माइक चला जाऊंगा, तुम देखते रहो। कौन सा तेरा माइक का? तेरा तो माइक का यही है ए गधेरा। है रे, यू तो तेरा माइक का तो यही है। हां तो दूसरे कमरे में चला जाऊंगा। अच्छा, और अब बच्चों ने क्या किया, खेलते कूदते पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया, बोले मम्मी गोलगप्पे बनाओ। कई दिन से पढ़ रहे थे मेरे पीछे, मैं गर्मी की वजह से चुप लगा रही थी, पर आज तो इन्होंने मेरा दिमाग ही सड़ा दिया। क्योंकि एक तो इतना काम था, कपड़े इतने थे, बारिश की वजह से सूख नहीं रहे थे, फिर भी इन्होंने लगा दिया। तो ये घर में सूजी रखी थी, तो मैंने क्या काम किया, इसे साफ़ करके, और तो आधे का तो मैंने इसका बना दिया हलवा, बाकि ये ख़राब होने वाली है, तो ये तो बना दिया मैंने हलवा, और बाकी आधी रख दी मैंने गोलगप्पों के लिए। तो मैं इतने ही शांत रहेंगे, हलवा खा लेंगे, और गोलगप्पों में तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इन्हें हलवा दे दिया था और चाय बना दी थी, साथ साथ मैं चाय भी चढ़ा दी थी, मैं कि ये चाय और हलवा खा लेंगे इतने, फिर मैं अपना गोलगप्पों में लग जाऊँगी। आज का दिन तो वैसे ही इतना लंबा कट रहा था, क्योंकि इतने कपड़े थे और काम भी बहुत था, फिर ना तो इन्होंने मेरा फ्रिज साफ़ होने दिया, ना मेरे सिलाई का काम होने दिया, बस आज लगे रहे बस मेरे पीछे। और यहाँ हो गए थे मेरी चाय भी तैयार, तो मैंने ये बच्चों को हलवा और चाय गाल के दे दिया था, मैं कि इतने ही अपना बैठ के खा लेंगे, इनके शांति हो जाएगी, और इतने मैं इनके ये गोलगप्पे बना दूँगी। बना तो मैं भी पहली बार ही रही थी, मैंने पहले नहीं बनाए गोलगप्पे, और तो मैंने ये सूजी बचा रखी थी थोड़ी सी, तो मैं इसमें थोड़ा सा तो तेल घेल लिया था, और फिर थोड़ा सा पानी से ये मांड लिया था, मैं कि चलो बना के तो देखते हैं, अच्छे बने तब भी ठीक है, नहीं बनेंगे तब भी ठीक है, खाना तो हमें ही है, और बच्चों का भी मन रह जाएगा कि भाई आज गोलगप्पे खा लिए हमने, कई दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे गोलगप्पे बनाओ गोलगप्पे बनाओ, तो आज मैंने ये बना ही दिए, क्योंकि आज काम तो बहुत था घर में, पर जब बच्चे लगे रहते हैं तो मैं कि चल कोई ना, करना भी पड़ता है ये सब बच्चों के लिए। तो ये मैंने छोटी छोटी पूरी बेलनी थी, तो ये थोड़े से हमारे बड़े बने थे गोलगप्पे, कुछ तो हमारे बड़े बने थे और कुछ छोटे, तो ये जा रही है पहली पूरी हमारी कढ़ाई में, और ये डाल दी, और ये बड़ी अच्छी फूल गई थी, तीनों ही पूरी जैसे पहली डाली थी ऐसे ही तीनों बड़ी करारी करारी सी बन गई थी। ये पहले पहले गोलगप्पे तो हमारे थोड़े से बड़े बने थे, और बाकी जो हमने बाद में बनाए थे वो बड़े अच्छे बने, छोटे छोटे, और ये साथ में मैंने आलू उबालने रख रखे थे उनके आलू भरने के लिए गोलगप्पे। गोलगप्पे तो हो गए थे हमारे तैयार, तो ये मैंने इमली भिगा रखी थी, इमली की मैं ये चटनी बना लूँगी, कुछ तो मीठी और कुछ ये पानी में काम आ जाएगा। तो ये छोटी छलनी में तो छनी नहीं थी, फिर ये मैंने बड़ी छलनी में छानी थी, क्योंकि इसका जो ये पल्प सा रहता है ये मुश्किल निकलता छोटी वाली में, फिर ये बड़ी में अच्छी तरह से निकल गया था। तो ये छन गई हमारे इमली का पानी, और ये चढ़ा दी थी मैंने कुछ मीठी चटनी बनाने के लिए, और बाकी कर दिया था मैंने अपना गोलगप्पे का पानी तैयार। और बाकी काम तो हमारा हो गया था, एक चटनी भी बनने वाली थी, गोलगप्पे भी बन गए थे और पानी भी बन गया था, बस ये आलू की पिट्ठी रह गई थी, तो ये मैंने छील के रख दिए थे, और ये मैंने मिर्ची पीसी थी थोड़ी सी हरी मिर्च तीखापन लाने के लिए, तो ये मैंने इसमें पानी में मिला दिया था,
और बाकी हमारा सारा काम हो गया था ख़त्म। बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, बच्चे क्या कुछ करने देते, इतना काम था, सारे काम करे और फिर ये काम करा, तो यहाँ हो गया था हमारा काम ख़त्म गोलगप्पों का। और ये हो गए थे हमारे गोलगप्पे तैयार। कैसे लगे बताना ज़रूर। अब गोलगप्पे बनाने का काम हो गया ख़त्म और चैलेंज करेंगे कल, क्योंकि वीडियो हो गई बहुत लंबी, सुबह से बन रही है। इन्होंने एकदम से मुझे बता दिया कि आज गोलगप्पे बना दो, तो इसमें बहुत टाइम लग गया मुझे बनाने बनाने में। तो इसके पापा आ जाएंगे जब करेंगे चैलेंज सबके साथ। तो कैसे लगे गोलगप्पे हमारे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगती है वो भी ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। और गुड नाइट, बाय।